हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर डी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन गिवन है, बस इसका हमें एचसीएफ निकालना है। ये चीज़ हमें पता है कैसे करना है हमें। उसके बाद एक्सप्रेशन मतलब एचसीएफ निकालने के बाद उसका उसका फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो जो क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है उसको हम यहाँ पर और एक बार उसको लिख लेते हैं यहाँ पर नीचे। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमें गिवन है 2b³c प्लस 4b⁴c का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये हो गया 16b का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो हमें पता है यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स यूज हुए हैं उसको लिखो यहाँ पर। तो पहला टर्म्स यहाँ पर है 2b³c और दूसरा यहाँ पर है 4b⁴c का स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा टर्म्स यहाँ पर है 16b का स्क्वायर c का स्क्वायर। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, वैसे 2 लिखो, 2 इंटू ये हो गया b, 3 बार है तो b को 3 बार लिखो यहाँ पर, फिर इंटू सी। ठीक है, यहाँ पर 4 को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, और b यहाँ पर 4 बार है। ठीक है, फिर c यहाँ पर 2 बार है। 16 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, मैंने आपको सिखाया था, साइड में यहाँ पर कर लो, नहीं तो 18 का इन कर लो, कैसे निकलेगा बताओ। 18 का सॉरी 16 है ना, 16 का ये हो गया आपका 2, ये हो गया 8 2, ये 4, 2 को 2 बार, मैं 16 को 4 बार लिख, जो 16 को लिखेंगे 2 को 4 बार। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फिर b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर लिखो बी इंटू बी, फिर यहाँ पर c का स्क्वायर है c इंटू सी। तो अब हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, कॉमन खोजेंगे कहाँ पर है। सेम मेथड है जो आप सीख के आए हो, बस वही अप्लाई करना है, ब्रेन टीजर में कुछ अलग नहीं करना है। यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो पहले यहाँ पर चलो 2 लिख दो इंटू, और क्या b देखो, b सब में है क्या, यस दो दो b है, दो एक साथ दो सबको कंसिडर कर लेते हैं। b यहाँ पर 2 बार है, पहले देख लेना सब में है कि नहीं, उसके बाद सर्कल करना। यहाँ पर चलो 2 बार सब हो गया, ये हो गया b को 2 बार। अच्छा c सब में है, c b और तो b है नहीं, b यहाँ पर b है, यहाँ पर है, बट यहाँ पर नहीं है। तो अब c है बचा, c यहाँ पर है, सब में एक एक c है, सब में देख लेना सब में एक एक c है कि नहीं, एक एक c है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर c हो गया। तो हमारा जो एस सी एफ निकला वो निकला 2b² c। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एस सी एफ। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, मतलब पहला क्वेश्चन ये बोला था कि एस सी एफ निकालो, तो एस सी एफ हमने यहाँ पर निकाल लिया। फिर क्वेश्चन और एक बोला है कि एस सी एफ तो निकाल लिया, चलो ठीक है, अब मुझे फैक्टर निकाल के दिखाओ, किसका फैक्टर, मतलब जो एक्सप्रेशन हमें गिवन था। तो चलो यहाँ पर साइड पर कर लेते हैं। तो बच्चों हमें क्या एक्सप्रेशन गिवन था, 2b³c, हम फिर से क्वेश्चन लिखते हैं, 4b⁴ फिर c का स्क्वायर प्लस 16b का स्क्वायर c का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो हमें फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर से बहुत सारे निकलेंगे, बट हम क्या करेंगे, देखो जो हमारा एस सी एफ निकला, तो एस सी एफ को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो चलो इसमें ये जो एक्सप्रेशन है आपका, इसमें क्या करो आप, एस सी एफ जो आपका निकला उसमें इस पर इसमें कॉमन ले लो, ये एक्सप्रेशन में कॉमन लेते हैं। तो एस सी एफ हमारा क्या निकला है, 2b² c ना, तो 2b² c को यहाँ पर इसमें कॉमन ले लो। तो जब कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ, देखो जैसे मैंने समझाया था, कॉमन ले रहे मतलब क्या, जो हम कॉमन लेंगे वो हर एक टर्म के साथ क्या होता है, डिवाइड होता है, कॉमन का मतलब डिवाइड। तो यहाँ पर कॉमन देखो, ये 2 2 कैंसिल, मन में ही करो, मैंने आपको सिखाया था, मन में 2 2 कैंसिल, यहाँ देखो b 3 है, यहाँ पर 2 है, तो ये सिर्फ एक b बचेगा, c कैंसिल हो गया, तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, सिर्फ b बचा। उसी तरह ये जो दूसरा टर्म है इसके साथ भी क्या हो रहा है, 2b² c डिवाइड हो रहा है, मतलब कॉमन जा रहा है मतलब डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, यानी ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो काटो इसको कितना, ये हो गया 2 1, ये मन में करो क्योंकि क्लास 7 है तुम्हारा, मन में करो, लिख के करोगे तो टाइम टेकन हो, मतलब ज़्यादा समय लग जाएगा। 2 ये कितना हो गया, 2 हो जाएगा, अब बी यहाँ पर 4 बार, यहाँ पर 2 है, तो बी यहाँ पर 2 बार, ऊपर 4 बार, 2 कट गया उसमें से, तो बी 2 बार बचा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, और सी तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक एक सी यहाँ पर कट गया, तो कितना बचेगा, एक सी वहाँ ऊपर बचेगा। तो यहाँ पर आंसर निकलेगा 2b² c। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो डिवाइड करके देख लो, ठीक है, डिवाइड करके देख लो, ये आंसर निकलेगा। फिर इसको भी सॉल्व करो तो आंसर निकलेगा 8c निकलेगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, b² c², इसमें से एक c बचा, यहाँ पर 8 हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पर दो फैक्टर्स हुए, पहला फैक्टर क्या हुआ, तो ये देखो फैक्टर्स हमारा निकल गया, जैसे हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर दो फैक्टर्स निकला, पहला फैक्टर्स क्या निकला टू बी स्क्वायर सी, और दूसरा फैक्टर क्या निकला, ये पहला फैक्टर है, कॉमा देखो और एक फैक्टर लिखो नीचे, और एक फैक्टर क्या है हमारा बी, सॉरी बी स्क्वायर नहीं, बी बी प्लस टू बी स्क्वायर सी प्लस एट सी, हो गया दो फैक्टर, ये हुआ पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, ठीक है समझ में आएगा कैसे फैक्टर निकलता है। अच्छा कॉमन जो एस एफ निकालोगे कॉमन लो जो जो होगा वही फैक्टर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का रिलेशन क्या है, ये दोनों का रिलेशन इनटू है, तो ये पहला फैक्टर आपका, ये हुआ दूसरा फैक्टर, हो गया ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से देखना है। तो मैं प्लान किया था और एक वीडियो में इसको करने के लिए, बट आई थिंक बहुत सारे वीडियोज हो जाएंगे इसलिए मैं इसी वीडियो में कर लेता हूँ। देखो ई नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इतना है, गिवन इतना गिवन है, सेम एज द अलजेब्रा एक्सप्रेशन दिस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, सबसे इजी क्वेश्चन ये बुक है। देखो जैसे कि रेक्टेंगल हमें हमें गिवन है, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दोनों दे दिया, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं सोल्यूशन करता हूँ, आप देख लो, इन रेक्टेंगल, इन रेक्टेंगल रेक्टेंगल है उसका लेंथ कितना है, यहाँ पर लिख दो लेंथ, उस रेक्टेंगल का लेंथ कितना है ए माइनस बी, ठीक है, उस रेक्टेंगल का ब्रेथ कितना है टू एम प्लस बी, ठीक है लेंथ ब्रेथ मिल गया, अब इसका एरिया निकाल दो। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ बच्चों, बताओ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मैं आपको स्टेटमेंट के साथ ही बता रहा हूँ, लेंथ कितना हो गया आपका ए माइनस बी इंटू ब्रेथ कितना है आपका टू ए प्लस बी, अब बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, अब ये मत बोलना कि सर हमें ये नहीं आता, आप चैप्टर खत्म करने वाले हो, तो इसको कैसे सॉल्व करना है इंटू, तो एक एक ए को मल्टी ए मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, तो ए मल्टीप्लाई करो टू ए प्लस बी के साथ, और फिर माइनस बी को मल्टीप्लाई करो टू ए प्लस बी के साथ, इन दोनों को इंटू करो, करो इंटू कितना होगा आंसर, ये हो गया आपका टू ए स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका ए बी, फिर ये हो गया आपका माइनस का साइन है, देखो ध्यान से ब्रैकेट का माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस टू ए बी, फिर ये हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है सबको समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ तक किसी का डाउट नहीं रहा, अब देखो यहाँ पर देखो बच्चों टू ए स्क्वायर तो वैसे ही रख, यहाँ पर कोई लैग टर्म्स है नहीं, जो लैग टर्म्स है ऑलरेडी दोनों पास में ही है, ठीक है तो यहाँ पर अरेंजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, अरेंजिंग करना ही नहीं है, जो लैग टर्म्स जो मुझे दिख रहे हैं लैग टर्म्स कौन है प्लस ए बी और माइनस टू ए बी, ऑलरेडी दोनों पास में ही है, तो इन दोनों को सॉल्व कर दो, प्लस माइनस माइनस ये हो गया आपका माइनस ए बी, क्योंकि माइनस टू बड़ा है, जो टू बड़ा है बड़ा है इसका नेगेटिव साइन है, माइनस ए बी ये हो गया माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये है क्या, ये क्या निकला हमारा, ये हमारा निकल के आ गया एरिया, ये हम लिखेंगे एरिया निकल निकला हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हमारा बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना निकला टू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ये है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता, ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमारा निकला ये इक्वल है किसके साथ, ध्यान से देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो वो सेम है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो सेम होगा किसके साथ, ये जो आपको एक्सप्रेशन यहाँ पर दिख रहा है वो उसके साथ सेम होगा, सॉरी यहाँ पर मैंने के को भी ले लिया है, सॉरी यहाँ पर एक्सप्रेशन कहाँ तक, यहीं तक है, यहीं तक है, ठीक है तो ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर दिख रहा है आपको के ए बी प्लस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके साथ वो इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए डॉट टी डॉट क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो इक्वल है वो जो अलजेब्रा एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि क्वेश्चन यही बोल रहा है, क्या है वो एक्सप्रेशन उसको हम ध्यान से देखते हैं नहीं तो भूल हो जाएगा, के ए बी, के ए बी ठीक है, और क्या था के ए बी प्लस टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही था, एक बार हम फिर चेक कर लेते हैं, प्लस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस ठीक है। अच्छा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है ना वैल्यू उसका, बस एरिया ऑफ रेक्टेंगल के नीचे क्या करो एल एच एस, देखो यहाँ पर देखो एल एच एस में क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, आर एच एस में क्या है जो हमारा उसका वैल्यू है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो यहाँ पर जो एल एच एस में है ये यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर दो इसके नीचे, यहाँ पर एल एच एस पे हम लिखेंगे टू ए स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर है किसके साथ, मतलब के ए बी प्लस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब हमें के का वैल्यू फाइंड करना है, क्वेश्चन नहीं बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो जैसे मैंने आपको समझाया था बच्चों, जो जिसका वैल्यू फाइंड करते हैं वो LHS की तरफ रहेगा। तो ये इक्वेशन हमने लिखा, इसको आप चेंज कर दो, इसको उठा के इधर ले आओ। पहले इस तरफ हम लिखेंगे के ए बी प्लस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें के का वैल्यू निकालना है और के हमें पता है जो निकलता है वो LHS की तरफ रहता है। ठीक है, अच्छा चलो अब हम निकालते हैं इसका वैल्यू। तो हमें के का वैल्यू निकालना है, तो के ए बी को पहले ऐसे रखो। अब के को जो जो डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब जो भी के को डिस्टर्ब कर रहे हैं LHS की तरफ, सब उठा के उसको ले जाओ RHS की तरफ। ठीक है, तो पहला एक एक करके सबको हटा, एक साथ सबको मत हटाना, एक एक टर्म्स को हटाना है। तो पहले हम हटाते हैं प्लस टू ए, मतलब पहले टू ए बी स्क्वायर हटाएंगे फिर माइनस बी स्क्वायर हटाएंगे। तो RHS में जो पहले से है जिसको हम पहले लिख लेते हैं टू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, RHS में पहले से ये था। अब ये जो प्लस टू ए स्क्वायर, प्लस टू ए का स्क्वायर जो है वो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस टू ए का स्क्वायर हो जाएगा। अरे जो माइनस बी स्क्वायर इधर आएगा आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो अब हम लिखेंगे के ए बी, मतलब के ए बी, के ए बी क्या लिखेंगे हम, अब इसको हम सॉल्व देखो, यहाँ पर प्लस टू ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ माइनस ए बी बचा। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अभी भी LHS में K अकेला नहीं है, कौन उसको डिस्टर्ब कर रहा है, AB, तो AB को भी हटाना होगा, तो K को हमें अकेला चाहिए। तो K AB को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, K into AB लिख नहीं सकते आप, इक्वल टू माइनस AB। तो K हो गया आपका इधर रहा K, K के साथ AB का क्या रिलेशन है, into, तो into है इधर आएगा तो AB उधर into है, AB को हमें हटाना है। क्यों, क्योंकि जो निकलता है जिसका वैल्यू निकलता है वो LHS में अकेला रहेगा, तो K को अकेला रखने के लिए AB को वहां से हटाना होगा। तो यहाँ पर इंटू AB है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये माइनस AB ऑलरेडी पहले से था RHS की तरफ, पहले से ऑलरेडी था, ये जो इंटू AB जो LHS की तरफ है वो RHS की तरफ जब आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अब इन दोनों को कैंसिल कर दो, AB ऊपर नीचे AB कैंसिल हो गया, क्या रहा माइनस वन, मतलब माइनस रहा, माइनस वन रहा आंसर। तो K का जो वैल्यू होगा माइनस वन होगा। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कैसे मैंने किया है, के का वैल्यू कितना निकला माइनस वन। ठीक है, तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर डी और ई दोनों करवा दिया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू की तरफ बढ़ेंगे। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर खत्म वन का ए और बी खत्म हो चुके हैं सारे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर टू। तो जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सब मिलते रहे इस वीडियो के। चलो बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।